सो हे एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, आप लोग के रोज व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि यूजली लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, पर व्लॉग्स में हम स्किन केयर, हेयर केयर, फैशन से रिलेटेड सब बात करेंगे और अपनी डेली लाइफ भी दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे को, जैसे मैं नॉर्मली उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, क्या करता हूँ, एवरीथिंग लाइक एक नॉर्मल इंसान जैसा होता है। हमेशा फोटोज़ में ऐसा लगना, वीडियोज़ में ऐसा लगना, बट अपनी रियल लाइफ में आप कैसे लगते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इससे आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाओगे। सेकेंडली, ये मतलब बहुत से पैकेजेस आए हैं जो मैं आप लोग के साथ अनबॉक्सिंग करके दिखाना चाहता हूँ, और बहुत चीज़ें हैं, मतलब बहुत टाइम हो गया ब्लॉग डाले हुए। और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैं रिसर्च पेपर्स लिखता था, मतलब लिख रहा था, ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आया है मैं उसमें, सो एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, बहुत चीज़ें चल रही थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई यूट्यूब से। ऑलमोस्ट एक महीने का ब्रेक हो चुका है यस। तो ट्राई करूँगा हर हफ्ते ब्लॉग डालूँ, या 30 डेज 30 ब्लॉग वाला चैलेंज, तो चैलेंज मेरे लिए अभी टफ है थोड़ा। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव रहूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ, आप लोगों से मिलूँ। यस, सो दैट इज़ माई मोटिव। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, जल्दी जल्दी से, फिर मेरे को फ्रीजरों घुमाने भी जाना है। और आपको ना इस वीडियो में अलग अलग टी शर्ट्स में शॉर्ट्स दिखेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट्स मैंने अलग अलग दिन में लिए टू बी ऑनेस्ट, तो इसलिए कोई कमेंट मत लिखना, ये कमेंट में भूलोगे फिर आप लोग कि आपने अलग टी शर्ट कैसे पहनी हुई है, आप एक ही दिन का ब्लॉग बना रहे हो। तो अलग अलग टी शर्ट्स पहनी हुई है मैंने, और अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ। सो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, आओ चलो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएं और फिर आपसे बातें करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने, मेरे पास आई हैं, ब्रांड ने भेजी हैं। तो पहले मैं आपको बॉक्स दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पड़े हैं वो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये दो बॉक्स पड़े हैं, अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पड़ी है, ये भी दिखाऊँगा आपको, जो ब्रांड से आया था। और मैंने ना दो चीज़ें मंगवाई थी, ये मतलब स्कार्फ टाइप हैं, तो ये छोड़ो स्कार्फ है, सो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, उठाते हैं ये वाला, ठीक है ये वाला उठाएंगे, ये वाला यहाँ रखेंगे, फिर हम लोग ये वाला उठाएंगे, फिर ये वाला यहाँ रखेंगे, और इसको थोड़ा आराम से उठाएंगे। यहाँ हमारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं अनबॉक्सिंग की, यहाँ आपको मैं रख देता हूँ, है ना, यहाँ आपको मैं रख देता हूँ, आपको दिख रहा हूँ। ये डब्बे आए, ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये शूज़ आए, ये ब्रांड मेरे को वाउचर भेजता है, उससे मैंने मंगवाए हैं, तो आपको दिखाता हूँ। दीज आर चेल्सी बूट्स, ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और ये बहुत हर आउटफिट के साथ जाते हैं ऑलमोस्ट, और इससे आपकी हाइट भी लंबी लगती है। दे आर रियली गुड। इनका अगर कॉस्ट बताऊँ तो ये है कहाँ गए, 7895 नहीं यार, ये 4000-5000 समथिंग के होंगे। तो मेरे पास वाउचर आया था, मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था। तो हाँ भाई, ये अगर आपको लेने हैं तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद अपने लोग के पास आया एक और जूता जो हमने ऑर्डर किया वाउचर के थे, ये जूता मेरे को बहुत प्यारे लगे, आप देख सकते हो, देखो भाई इनका लुक ही अलग है, थोड़ा चंकी सोल टाइप है, और ये ना ऐसे जूते ज़ारा में मिलते हैं, ज़ारा में 5-6 हज़ार के ही मिल रहे, 1500 रुपीज़ के मिले, 1500 रुपये के, रेड टेप बॉन्ड स्ट्रीट ब्रांड है वहाँ से। और भाई तीसरी चीज़ है, सैमसंग ने मेरे को फ़ोन भेजा है, सैमसंग M31S, मैंने अनबॉक्स कर दिया, इसके अंदर पुराना फ़ोन है मम्मी का, मैंने मम्मी को गिफ्ट कर दिया फ़ोन, तो देखते हैं फ़ोन ला दो आपके लिए। तो भाई ये रहा फ़ोन, ऊपर कर दूँ आपको, हमने देख लिया आप हो गए ऊपर। तो भाई ये रहा फ़ोन, देखो कितना सही कलर है फ़ोन का, मेरे मम्मा को गिफ्ट कर दिया, मैं थोड़ी लेट अनबॉक्सिंग करूँ आप लोगों के साथ। तो मतलब भाई बहुत ही अमेजिंग फ़ोन है, और बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और ये इसकी कॉस्टिंग 21,000 रुपीज़ की है, और लिटरली इसका कैमरा इज़ रियली गुड। इसमें एक फ़ीचर है वन टेक फीचर, अगर आप सामने फोटो वोटो ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो सामने रख के आप फोटो ले सकते हो इजीली। उससे क्या होगा, आप सिंगल क्लिक करोगे तो आपको उसमें फोटोज़ मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी, बूमरैंग्स मिलेंगे, मतलब एक क्लिक में 100 चीज़ें मिलेंगी। टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ नाइस फ़ोन, और कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा इन चीज़ों की, मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और इसका रिव्यू मम्मी से भी ले लेंगे और आपको बताएंगे कैसा फ़ोन है। भाई ये देखा, हमेशा खाना ही दिखाना है इसने, और कुछ नहीं, खाना बस, खाना खाना खाना, इसमें भी खाना दिख रहा होगा आप लोगों को, शक्ल दिखाना, ये देखो सिर्फ खाना,
और मम्मा से बोले थे फीडबैक फोन कैसा लगा आपसे पूछते हैं कैसा लगा गिफ्ट करने के। तो भाई मम्मी से हम पूछ रहे हैं कि फोन कैसा लगा आपको? मस्त है, बढ़िया, सही चल रहा है, मजा आ रहा है चलाने में, और कैमरा वैमरा कैसा है इसका? मस्त है एकदम, फीचर्स तो बढ़िया है, समझ में भी आ रहे हैं मेरे को। आपको फोन जल्दी समझ नहीं आता ना? हाँ मुझे नहीं आता भाई जल्दी समझ, पर ये अच्छा लगा, समझ में आ गया। आ गया ना, चलो बच्चे ला के दे, समझ गया। चलो भाई ये तो हमने रिव्यू ले लिया फ़ोन का, और यहाँ पे लूडो चैम बैठे, बहुत ज़्यादा लूडो खेलते हैं भाई, हद से ज़्यादा लूडो खेलते हैं। और कितने कॉइन्स कर लिए? 20 लाख। और जब डोर पे ये चीज़ें दिख रही ना, ये सारी चीज़ें बहुत जगह हो रखा है, ये मेरे डॉग ने करा, मिस्टर बीजर ने करा, सारी इसकी कलम आते हैं, बहुत जगह हो रखा है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, और ये रहा सोरा शैतान, क्या करा तूने? ये मौसम भी ऐसे और हेयर फॉल भी ज्यादा होता है और डैंडर भी होता है, उसके लिए आई एम यूजिंग राइस वाटर। आप देख सकते हैं मैं तो राइस वाटर निकाल रहा हूं, तो राइस वाटर आपके बालों को ग्रोथ में, बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके जो भी डैंडर होता है उसे कम करता है और बालों की डेंसिटी भी बढ़ाता है। तो मैं पिछले एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे बालों में काफ़ी फ़र्क है मेरे को लगता है, क्योंकि काफ़ी सारा हेयर फॉल हो रहा था, तो इसने काफ़ी कंट्रोल किया है। एंड हफ्ते में 3 से 4 बार लगाया करो इसे। मैंने क्या कह रहा, ओवरनाइट चावल लेने हैं, एक कटोरी में भिगो देने हैं, ठीक है, और सुबह ओवरनाइट भिगोने हैं, सुबह उसका उसके चावल अलग कर दो, पानी अलग कर दो, और छान के एक ऐसे स्प्रे बॉटल में डाल दो ताकि लगाने में ईजी हो। तो ये स्प्रे बॉटल आपको 80-90 रुपये मिल जाएगी मार्केट में, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, तो आपके हेयर ग्रोथ में काम करेगी, आपके जितना भी डैंड्रफ होगा उसे कम करेगी, और हफ्ते में 3 से 4 बार लगाओगे, दैट इज़ रियली इनफ फॉर यू। तो अभी हम इसे लगाते हैं, आज संडे है, तो संडे को मैं, संडे थोड़ी है, सैटरडे है, यूजली मैं लगाता हूँ सैटरडे इसमें। हमें क्या करना है, मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये स्प्रे बॉटल है, हम इसे सर पर लगाएंगे, और एम्पल अमाउंट में लगाना, जितना लगा सकते हो। हर जगह अच्छे से लगाओ, तो ये बालों में लग चुका है, ठीक है। क्योंकि यार इस चीज में अगर आप सोच रहे हो कि बहुत कम लगाओ, ये वो पड़ेगा, ये महंगा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सस्ता जो बैठा है, मैं अच्छे आसानी से लगा सकते हो इसे, तो ट्राई करना एम्पल माउंट में लगाओ, और अच्छे से स्प्रेड करो, लगाने के बाद जितना मसाज कर सकते हो उतनी मसाज करो, ताकि अच्छे से रूट्स में जाए और आपके बालों को इससे फ़ायदा मिले। और इसका अब हेयर फॉल, इससे हेयर फॉल भी नहीं होता इतना, क्योंकि आप जब ऑयल वगैरह लगाते हो तो काफ़ी बाल टूटते हैं, जब लोग रबिंग वगैरह करते हैं, इससे बिल्कुल बाल भी नहीं टूट रहे, और एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। तो अब हम इसे रब करेंगे थोड़ी देर, ठीक है भाई, रब करने में तो मज़ा आता है ना, जो ठीक है। तो ये अच्छे से रब हो गया, इसके बाद हमें कोम लेनी है, कोम करनी है, और ताकि ये बालों में अच्छे से डिजॉल्व हो सके। तो मैं आपके सामने ही कर देता हूँ, ठीक है, हम इसे अच्छे से कोम करेंगे बालों को, ताकि बाल हमारे अच्छे हो जाए और थोड़ा बढ़िया लगे, ताकि मज़ा आ जाए, और एकदम फाड़ लगे, और एकदम हीरो लगे, और एकदम जीरो लगे, सबको कभी फ्रंट डायरेक्शन, कभी बैक डायरेक्शन, कभी साइड में, कभी लेफ्ट साइड, राइट साइड, हर जगह आपको ही करना है, ताकि आपके बालों में अच्छे तरह से डिजॉल्व हो सके।